दोस्तों, आजकल हो जा रही है देर हमको जाने में, क्योंकि ठंड की वजह से मैं सोच रहा हूँ कि लोग आएंगे या नहीं आएंगे। पर आज जो है, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम से निकला जाए सुबह सुबह। और एक तो ठंड के दिनों में सुबह सुबह उठने का भी मन नहीं होता है, पर अभी बाहर तो अंधेरा हो ही रहा है, उजाला होने की हो रही है और ऊपर है झगड़िया बांध साइड को, तो और भी थोड़ा रहेगा अंधेरा। पर तैयार हो जाता हूँ थोड़ी देर में, फिर निकलूँगा। दोस्तों, मौसम थोड़ा कोहरा लग रहा है सुबह सुबह को, पर हमें जो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, निरंतर हम लोग सफाई अभियान में आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारा स्लोगन आपको मालूम ही है, एक कदम हम एक कदम आप बढ़ाएंगे, टिपोला को हम एक मिसाल बनाएंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर एक बार आए हैं आपके झगड़िया बांध पुल की तरफ को। यहाँ से हम वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ को, और मेरे साथ हैं भूपिंदर सिंह रोतेला भुप्पी और रणजीत सिंह महला। तो और मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट, और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। दोस्तों, कोई भी काम शुरू करना होता है तो हम बस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि अब शुरू करेंगे। लेकिन अब किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये चिंता छोड़ दीजिए कि ये काम पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो आपका एम होता है किसी काम करने का, आप कोई मकान बना रहे हैं, आप कुछ अपना कुछ गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ खरीद रहे हैं, तो आप बस उसको कर डालिए तो धीरे धीरे काम आपका ज़रूर पूरा होता है। क्योंकि आप कोई चीज़ उधार लेकर के करते हैं, अगर अच्छे काम, जो अच्छे काम हैं उनको बस उनके लिए आप सोचिए मत कि जो है अब शुरू करूँगा, और ये सोच में आप जो है सालों जो है व्यतीत कर देते हैं। तो इसलिए जो भी काम आपको लगता है कि भाई ये काम मेरे लिए ज़रूरी है और अच्छा काम है, चाहे कोई बिजनेस करना हो, कोई कुछ करना हो, तो उसको आप शुरू कीजिए और काम अपने आप जो है पूरा हो जाएगा। और अगर आप इंतज़ार में बैठे रहेंगे तो फिर आप बैठे रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं थोड़ा सा टाइम से, क्योंकि वरना और हमें लेट हो जा रही है, और मौसम आप देख सकते हैं किस तरीके का है। सुबह सुबह मौसम अभी कोहरा लग रहा, सुबह सुबह थोड़ी देर में छिल जाता है, और उधर पीछे आप देख सकते हो चांद भी दिखाई दे रहा है पूरा। और लोगन मेरे साथ आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगन बहुत तो वो हो जाएगा, उधर बाघ आता है, ध्यान रखना। और
छुटकी भी आती है उसको खा जाएगा बाघ सुबह सुबह फिर। हाँ तो दोस्तों आज हम कर रहे हैं इस साइड से शुरू थोड़ा काम का, और ये देख रहे हैं अब ये झाड़ वगैरह काटने का तो ये है नहीं, इसके लिए तो दराती से ही कटेगा ये, लेकिन हम पहले ये जो हार्ड है वो काटते हैं। और दोस्तों लोग रोज जो है हमारे वो लग जा रहा है क्या कहते हैं ये कांटे आटे भी लग जा रहे हैं हाथों में, तो इससे थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही है। और अभी ये हमने कल करवाए तो सही है, इसमें इतना मज़ा भी नहीं आ रहा है, ये दराती वगैरह मुझे लग रहा है कि सब इतना काम नहीं करेंगे मैं तो इस चक्कर में। तो दोस्तों आज का काम हमारा उधर से इधर तक का बहुत अच्छा हुआ है, और रणजीत सिंह महला भी आ गए थे, तो हमारा तब तक का वो जो है टाइम लैप्स में चल रहा था वीडियो शूट तो। और लेकिन ये घास थोड़ा दोस्तों बहुत ही वो है, तो इसको तो कोई लेडीज ही काटेंगे अब तभी होगा ये, और लोग बाग अपने जानवर के लिए काटेंगे, लेकिन फिलहाल हम इतना जो ये बचा हुआ जो पूरी वगैरह दिख रही है इसको थोड़ा साफ करते हैं। और मेरे जूते के अंदर भी जो है कुमर घुस गया है, एक इतना मोटा जूता पहना है फिर भी कुमर अंदर से घुसा पड़ा है ऐसा।
तो दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है हमारा काम। अभी यहाँ से झिगड़े वांसर ने शुरू करा है और ये रणजीत सिंह महला है, इनके घर के पास तक हो चुका है। अब इस बीच में हमारा ये काम पूरा हो जाएगा तो फिर हम बढ़ेंगे रिस्कना पुल की तरफ और रिस्कना पुल से इधर को आएंगे, और जब वो काम पूरा हो जाएगा फिर जो छोटे छोटे कूड़े हैं ये, इनको हम थैले लेकर के जाएंगे, उनको फिर उठाएंगे और ये जो हमारा रेडी है रेडी भी लगाएंगे उस पर, फिर सफाई करके फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। और बहुत ही आनंद आ रहा है हम लोगों को और सुबह सुबह उठ रहे हैं। देखो ठंडा हो रहा है, आप लोग सोए भी हो गए अभी अभी, हाँ अभी तो खैर टाइम हो गया, अब तो उठ गए हो गए, लेकिन हम लोग जो है बहुत ही जल्दी सुबह आ जा रहे हैं। तो दोस्तों कोई भी काम करते हैं अगर आप शौक से करते हैं, दिल लगा करके करते हैं, तो उस काम में आपको बोरियत नहीं होती है महसूस। और जा रहे ठीक है ओके। अरे हाय अभी तो हमने लास्ट वाला शॉट टान लिया वहाँ से। हाँ तो दोस्तों ऐसे कामों में अगर आप दिल लगा कर काम करते हैं, अगर अपना समझ करके करते हैं, तो आपको ये एहसास नहीं होता कि आपको कितना टाइम लग गया है, तो उसमें आपको कब शुरू करें कब छोड़ें उसको इस बात का डर नहीं लगता है, इस ऐसा मन नहीं होता काम को छोड़ने का। लेकिन जहाँ पर आप सोचते हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, तो हर वक्त आप घड़ी ही देखते रहते हैं। तो इसलिए आप कोई भी काम कीजिए दिल से कीजिए, और दिल से करेंगे तो वो काम अच्छा भी लगेगा और आपको सुकून भी मिलेगा। जय हो मैया। चलो चलो तो दोस्तों आप किसी भी काम को अगर तन्मयता के साथ में करते हैं तो आपको बहुत ही आनंद आता है उस काम को करने में, और सुकून मिलता है। और ऐसी चीजें दोस्तों किसी भी इंसान को जो है सुकून देती हैं। तो दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं झिगड़े बांध से आज का काम निपटा करके, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और फिर मिलते हैं आपको कल शाम को 7:30 बजे किसी नए ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।